साइंस स्टडी पॉइंट में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम प्रतिवर्ष खुद से श्री साई मॉडल सेट बुक तैयार करते हैं, जिसमें 8, 9, 10, 11 एंड 12, इस वर्ष 11, 12 का भी मॉडल सेट निकलने वाला है। तो उस मॉडल सेट को इस वर्ष से और मॉडिफाइड कर दिए हैं, यानी कि अब आप लोगों को ऑडियो वीडियो के साथ प्राप्त होगा, जल सेट प्राप्त होगा। जैसे जैसे हम मॉडल सेट तैयार करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हम YouTube चैनल पर भी इसको अपलोड करते जा रहे हैं, ताकि आप इसको प्रिंट आउट करके पढ़ भी सकते हैं या दुकान से भी खरीद के पढ़ सकते हैं। साथ में इसका PDF भी आप मोबाइल से ले सकते हैं। इसके साथ साथ हम इस पूरे मॉडल सेट को आपको समझाने का भी प्रयास करते हैं। तो आज ये मेरे सामने जो मॉडल सेट 2024, ये 9th क्लास के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल यह वीडियो बनाया गया है। अच्छा लगे तो जरूर से जरूर सभी 9th क्लास के पढ़ने वाले विद्यार्थियों के पास एक बार जरूर शेयर करें। तो आइए, ये मेरा मॉडल सेट लगभग तैयार हो गया है। आज हम एमसीक्यू जो होता है, यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, वो बताने वाले हैं। देखिए, मेरे पास लगभग सभी सब्जेक्ट का तैयारी हो चुका है, लेकिन आज हम इस वीडियो में खास करके विज्ञान विषय से हम शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि साइंस विषय से हम बताने वाले हैं। तो हम चलाते हैं साइंस के अपना जो PDF बनाए हैं, उसमें आ जाते हैं और वहीं से आप लोगों को हम बताने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो को जरूर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और साथ में इस PDF को भी प्राप्त करने के लिए आप डायरेक्ट हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम इस PDF को आपको उपलब्ध करा देंगे और इसका लिंक भी हम आपको भेज देंगे, जहां से आप लोग फ्री में, बिल्कुल फ्री में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। आइए, थोड़ा सा स्क्रीन को हम बड़ा कर लेते हैं, ताकि सभी विद्यार्थी को आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ पे देखिए, हम PDF को बड़ा कर लिए हैं। ये आप लोगों का जो है, खास करके 9th क्लास के विद्यार्थियों का जो क्वेश्चन जो आएगा, सिर्फ और सिर्फ MCQ, यानी कि यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आएगा, आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएगा। इसलिए आप लोगों को पढ़ाई जरूर ट्यूशन में, स्कूल में कर रहे होंगे, लेकिन विशेष रूप पर आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि 9th क्लास और 11th क्लास और 8th क्लास, ये 3 क्लास का हमेशा MCQ ही अभी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस वर्ष भी 100% गारंटी है कि MCQ से ही आप लोगों का परीक्षा लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा। चलो, सब शांत शांत हो, सब कीजिए ना, थोड़ा बात नहीं करो बाबू तुम लोग। तो आइए, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सामान्य निर्देश, जैसा यहाँ पे निर्देश आपको इस PDF में देखने के लिए मिल रहा है, वैसा ही निर्देश आपको जो क्वेश्चन जो मिलेगा उसमें भी लिखा हुआ है। सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जो भी विषय का परीक्षा होगा उस विषय में 40 ही क्वेश्चन रहेगा, और 40 क्वेश्चन आप लोगों को बनाना जरूरी है। यहाँ पे देखिए, प्रश्न की संख्या भी दिया हुआ रहेगा 40, प्रत्येक प्रश्न एक एक अंक होगा, यानी कि एक अंक अगर एक प्रश्न बनाते हैं तो आपको एक अंक मिलेगा। अगर एक प्रश्न एक नंबर देते हैं तो एक नंबर आपका कट जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग 40 में से अगर 30 क्वेश्चन अगर बनाते हो, अगर 30 सही हो जाता है तो आपको 30 ही नंबर मिलेगा ना। और अगर इसी तरह से अगर 40 में 400 बनाते हैं, अगर 10 गलत हो जाता है तो आपको 30 नंबर मिलेगा। तो ये आप सामान्य निर्देश से इसको आप PDF में भी पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं, साइंस के लिए बोल रहे थे, लेकिन साइंस वाला PDF और शायद नीचे है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, हम लोगों को सब सब्जेक्ट देखना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं SST का। SST में हम लोग सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई। फ्रांस की क्रांति कब शुरू हुई, आप लोगों को बुक में पढ़ने के लिए मिल रहा होगा, आप लोग देख रहे होंगे। तो फ्रांस का जो क्रांति है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया हुआ है। देखिए, सब ऑप्शन लगभग एक टाइप से रहेगा, लेकिन आप अगर बुक पढ़ करके समझिएगा तो आराम से आपको याद हो जाएगा। इसका क सही होगा, यानी 14 जुलाई 1789 में फ्रांस की क्रांति शुरू हुआ था। ठीक है, इसी तरह से टाइड, टाइड का क्या मतलब, टाइड क्या था, तो यह एक प्रकार का कर था, अप्रत्यक्ष धार्मिक कर, मतलब कि ये धार्मिक कर लगाया जाता था। कर मतलब इसको लगान भी हम लोग कह सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ग सही हो जाएगा, तो इसका ग आंसर देंगे। यहाँ पर देखिए, इस PDF में हम आंसर भी साथ में ले लिए हैं, ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। हम लोग तो पढ़ाते हैं तो फुल प्रैक्टिस रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप लोगों को समझने में परेशानी ना हो, फटाक दुख आप लोग समझ लें और इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग तैयार करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। फ्रांसीसी समाज में सत्ता और सामाजिक हैसियत की अभिव्यक्ति करने वाली श्रेणी को क्या कहा जाता है। तो
देखिए ख इसका सही होगा ना, स्टेटेट कहा जाता है, स्टेटेट ना, इसको बुक में पढ़िएगा आपको आराम से समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मार्सिले क्या है, तो देखिए ये इसका आंसर ग सही होगा, यानी कि फ्रांस का राष्ट्रगान है, जैसे हम लोगों का जन गण मन अधिनायक जय है, ये राष्ट्रीय गान हो गया, उसी तरह से यह जो फ्रांस का यह राष्ट्रीय गान है, ठीक है ना। आगे आते हैं, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए थोड़ा स्पीड में हम लोग चलते हैं, क्योंकि कम समय में अधिक जानकारी प्राप्त हो ऐसा हमेशा सोच होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है कि 1774 ईस्वी में फ्रांस के राजगद्दी पर कौन आसीन था, आसीन मतलब कि कौन राज कर रहा था, कौन बैठा था, तो इसका घ सही होगा, लुई। यहाँ पे ऐसा ही ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, लुई 16वां, याद रखिएगा लुई 16वां। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपको यहाँ पे 6 में आ जाइए, 6 में दिया हुआ है कि रूस के संपन्न किसान को क्या कहा जाता था, तो कुल्लक कहा जाता है, संपन्न मतलब कि जो खास करके सबसे बढ़िया होते थे किसान उनको, ठीक है। इसी तरह से अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि मार्फो वार्सिलेवा कौन थी, तो यहाँ पर ख आंसर सही होगा, एक बहादुर महिला कारी का ना, इसको याद रखना, इसको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग बुक पढ़िएगा तो और ज्यादा डिटेल में समझ में आएगा, क्योंकि हम एमसीक्यू बता रहे हैं, मतलब ये मेरे बताने का मकसद, इस टाइप के क्वेश्चन आएगा, या फिर यही क्वेश्चन आएगा, या फिर आप बुक जरूर पढ़े लेकिन क्वेश्चन आप इस टाइप का ध्यान दें, ये मेरा बताने का मकसद है, आपको रिवाइज करवाने का मकसद है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं कि सेट पीट्स वर्ग का नाम क्या पड़ा था ना, तो यहाँ पर घ सही होगा, पुत्रगात, ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 9 में है, 1917 में जराशाही के पतन की घटना स्थल को क्या कहते हैं, तो इसका घ सही होगा, यानी कि अक्टूबर क्रांति। इसी तरह से 10 में आते हैं ना, 10 में क्वेश्चन दिया हुआ है कि समाजवादी विचारधारा के प्रवर्तक कौन थे, इसका घ सही होगा, घ यानी कि कार्ल मार्क्स, ये सही होगा। अब अगला नंबर क्वेश्चन नंबर 11 में करा, भारत के कुल भूभाग का क्षेत्रफल करा, कुल भूभाग का क्षेत्रफल कितना है, तो इसको एकदम याद रखें, लाइफ टाइम क्वेश्चन याद रखने वाला जो है, ख सही होगा, यानी कि ख सही होगा, 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है यह भारत का, ठीक है। इसको ऐसे भी हम लोग याद रखेंगे, लाइफ टाइम काम करेगा। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं, कह रहा कि भारत के सबसे पूर्वी देशांतर कौन सा है, इसको भी याद रखिए, लाइफ टाइम हमेशा याद करेगा, कह रहा है कौन सा है, तो कौन सा होगा, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो 97.25 पूर्व, ये होगा इसका आंसर। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 में, यानी कि 13 में आते हैं, करा 13 में करा, नेपाल देश की सीमा किस राज्य से नहीं लगती है, तो यहाँ पे सही हो जाएगा घ, क्योंकि नेपाल की जो सीमा है बिहार से होता है, उत्तर प्रदेश भी होता है, उत्तराखंड से भी होता है, लेकिन झारखंड से, जो हम लोग झारखंड राज्य में रहते हैं, तो यहाँ से नहीं सटा हुआ है, ठीक है ना। आगे, भारत की भौगोलिक आकृति दृष्टिकोण से कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो 6 भागों में बांटा गया है, याद रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं, हिमालय में स्थित भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसको याद रखना है, ख होगा, कंचनजंगा। ये क्वेश्चन भी अपने आप में इंपोर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर याद रखेंगे सभी बच्चे, ये कभी भी आप लोग एग्जाम दीजिएगा, बाद में भी मैट्रिक इंटर करने के बाद भी अगर आप लोग जब तैयारी कीजिएगा कंपटीशन ये सब का, तो उसमें भी यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 में आते हैं, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे ऊपर में, क्वेश्चन नंबर 16 में करा, पूर्वांचल श्रृंखला का कौन सा भाग नहीं है, इसका घ होगा ना, शिवालिक पर्वत। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 में दिया हुआ है कि एक स्थलीय भाग जो चारों ओर समुद्रों से घिरा रहता है, उसको क्या कहते हैं, तो द्वीप कहते हैं, द्वीप, द्वीप मतलब होता है कि चारों तरफ समुन्दर है और समुन्दर के बीच में कुछ खाली जगह है, उसी को बोलते हैं ना, उसी को बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं, द्वीप बोलते हैं, द्वीप, द्वीप मतलब कि पूरा चारों तरफ से पानी है, बीच में कुछ जगह है ना, जहां पर आदमी रुक सकता है, ठहर सकता है, तो उसको द्वीप बोलते हैं। गंगा मैदान में वेदिका, क्वेश्चन नंबर 18 में ध्यान से देखिएगा आप लोग, कह रहा है कि गंगा मैदान में वेदिका जैसी आकृति किस भाग में प्रदर्शित होती है, इसका आंसर होगा ख, यानी कि भंगार, ठीक है। इसी तरह से कह रहा है कि गंगा नदी का उद्गम कहाँ से है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लाइफ टाइम तक आप लोग याद रखिएगा, गंगोत्री, गंगा नदी मतलब कहाँ से निकली हुई है, कहाँ से शुरुआत हुआ है, तो गंगोत्री से शुरुआत हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी से हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, कह रहा है कि डल झील किस राज्य में स्थित है, डल झील किस राज्य में स्थित है, तो इसका ऑप्शन होगा
जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में डल झील है, डल झील देखने लायक है, वहां आप कभी घूमने जा भी सकते हैं। इसी तरह से हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 यानी कि 21 में, गेहूं चना जौ आदि किस प्रकार की फसल है? तो ये जो है रबी फसल है। तो देखिए फसल दो प्रकार के होते हैं, रबी फसल और खरीफ फसल ना। तो गेहूं हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, यह इनका समय अलग होता है, धान का समय अलग होता है। धान को बोलते हैं क्या, इसमें देखिए क आंसर सही होगा रबी फसल, धान को बोलते हैं खरीफ फसल, तो यहाँ पर रबी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से हरित क्रांति का मुख्य विशेषता क्या है? इसका क आंसर है गेहूं तथा चावल में अप्रत्याशित वृद्धि, मतलब वृद्धि करना। हरित क्रांति लागू करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि ज्यादा से ज्यादा इनका उपज किया जाए। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 में, थोड़ा SST बुक को बढ़िया से पढ़िए, तब जा करके MCQ क्वेश्चन आपको बनाने में आसान होगा। बहुविध फसल प्रणाली किसे कहते हैं? इसका ग सही होगा ऑप्शन, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 24, अपनी आजीविका के लिए श्रवण ने एक डेयरी की दुकान खोली, श्रवण की यह क्रिया किस प्रकार की क्रिया है? तो यह गैर कृषि क्रिया हो जाएगा, क्योंकि दुकान जो खोला गया है वह कृषि से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी यह कृषि तो डायरेक्ट रूप से इसमें हम कृषि का उपयोग नहीं करते, इसलिए गैर कृषि क्रिया हो जाएगा ना। इसी तरह से HIV का क्या तात्पर्य है? तो HIV जो है इसका ख से अधिक उत्पादन करने वाले बीज, HYV ना, HYV का क्या तात्पर्य है? तो अधिक उत्पादन करने वाले बीज। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 26, निम्न में से कौन से कारक जनसंख्या की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं? तो घ सही होगा इनमें से सभी, साक्षरता दर, ये भी जनसंख्या गुणवत्ता को बढ़ाते हैं, लोगों को स्वास्थ्य, फिर कौशल निर्माण, ये सभी ऑप्शन सही है, इसलिए इसका घ सही होगा। अब 31 नंबर में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि लोकतंत्र शासन का रूप है जिसमें, तो ग सही हो जाएगा यानी जनता शासक का चुनाव करती हो। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र का एक उदाहरण है? तो क सही हो जाएगा पशु, ठीक है, पालन, ठीक है, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र में ये आता है पशुपालन, इसीलिए। फिर कह रहा है किसी खेत में 5 लोग काम कर रहे हैं, यदि उनमें से 2 लोग को हटा दिया जाए तो उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यह किस प्रकार की बेरोजगारी को अंकित करता है? तो ख प्रचंड बेरोजगारी, प्रचंड बेरोजगारी को वह बतलाता है। तो आप लोगों को शायद माय डियर स्टूडेंट समझ में आ रहा होगा। चलते हैं हम लोग, देखिए एक पेज में हम पूरा क्वेश्चन को सेट कर दिए हैं ताकि कोई भी विद्यार्थी इससे प्रिंट आउट करके भी अपना तैयारी कर सकता है। मेरा बनाने का, देखिए खुद से हम टाइप करते हैं, मेरा खुद का लैपटॉप है, इसी में टाइप करके हम क्वेश्चन बनाते हैं, जो कि शायद ही लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि हम लोग मेन मकसद होता है विद्यार्थियों को जितना हो सके हेल्प करना। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया हुआ है, शिक्षा एवं स्वास्थ्य द्वारा विकसित किए गए मानव को अर्थशास्त्र में क्या कहते हैं? तो क मानव पूंजी कहते हैं, हम लोग भी एक प्रकार के पूंजी ही हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 32 में आते हैं कि चीन में राष्ट्रपति नियुक्ति कौन करता है? चीन में राष्ट्रपति नियुक्त करने का अधिकार मतलब किसे है? तो इसका आंसर हो जाएगा क सही, कम्युनिस्ट पार्टी को, ठीक है। इसी तरह से जिम्बाब्वे कब स्वतंत्र हुआ? जैसे कि हमारा देश कब स्वतंत्र हुआ? तो 15 अगस्त 1947 को, उसी तरह से जिम्बाब्वे भी स्वतंत्र हुआ था 1980 ईस्वी में, हुआ था हम लोगों का ना, बाद हुआ था ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 34 में कि रॉबर्ट मुगवे कहाँ के राष्ट्रपति हैं? तो भ इसका सही होगा जिम्बाब्वे का। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर हम लोग 35 में आते हैं, दक्षिण अफ्रीका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका भी ग सही होगा, नेल्सन मंडेला, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए दिया हुआ है कि संविधान के संबंध में इनमें से कौन कथन सही है? देखिए 4 कथन दिया हुआ है, जो सही है उसका उत्तर का चयन करें, जैसे इसमें ग सही है तो ग को ले लेंगे। थोड़ा वीडियो हम फास्ट बना रहे हैं, धीरे धीरे हम अपना स्पीड को स्लो करेंगे। आज SST है, SST में बस आप बुक पढ़िएगा, ज्यादा समझ में आएगा, MCQ से थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर भी अगर इस टाइप से अगर तैयारी कीजिएगा तो बहुत ही बेजोड़ शानदार और जानदार तैयारी हो जाएगा, 100% आप नंबर प्राप्त कीजिएगा। भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराए गए थे? याद रखना, भारतीय संविधान सभा के लिए कब चुनाव कराया गया था? तो घर सही होगा जुलाई 1946 के। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं है? तो क सही होगा महात्मा गांधी। इनमें से भारतीय संविधान के बुनियादी मूल्य कौन नहीं है? तो ग सही होगा
असंहिता, और इसमें से लास्ट क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, इनमें से कौन सुमेलित नहीं है, यानी कि इसको देखना है कि जो बनाया गया है इसमें से कौन सही नहीं है। ध्यान से पढ़िएगा तो समझ में आएगा। इंदिरा गांधी संविधान सभा की सदस्य, मतलब मेल खाना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन माय डियर स्टूडेंट आपका जब परीक्षा होगा तो उसमें आएगा। तो अभी से ही शानदार और जानदार तैयारी कीजिए। आप ट्यूशन कहीं भी पढ़िए, स्कूल भी पढ़िए, लेकिन तैयारी इस तरह से कीजिए ताकि आपको बहुत बेजोड़ और शानदार नंबर आए। और मेरे आप व्हाट्सएप नंबर में भी, व्हाट्सएप ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं साई स्टडी पॉइंट में। इसके लिए बस आपको मेरा नंबर सेव करना है 9602853403। अब ये देखिए मेरा स्टूडेंट हेल्प पॉइंट है, इसमें आप जुड़ करके शानदार और जानदार तैयारी कर सकते हैं। तो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए भी आप हम इस यूट्यूब चैनल पर कमेंट करें, अपना व्हाट्सएप नंबर दें, हम आपको जोड़ देंगे। देखिए यहाँ पर मेरा दो तरह का व्हाट्सएप ग्रुप है, एक है स्टूडेंट हेल्प पॉइंट जिसमें हजारों बच्चे जुड़े हुए हैं, और हमारा जो भी ऑडियो वीडियो ना जो भी पढ़ाई से संबंधित जानकारी होता है इसी ग्रुप में हम भेजते हैं। तो आप भी इस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप नए होंगे तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे।